हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अनन्या टिकिनगंज जैलन में। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग देखे, आप लोग पीछे देखे भी होंगे, हम लोग पीछे वाला वीडियो चीजेल के बारे में पूरा कंप्लीट देखे थे। अगर वहां से आप चीजेल का क्वेश्चन जो भी देखे होंगे तब टोटल कवर हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे हथौड़ी के बारे में, हेमर के बारे में। कौन कौन सा हेमर होता है, कौन सा धातु का बना होता है, इससे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। ठीक, तो ये चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसका नाम क्या है, जैसे कि बोर्ड पे भी देख पा रहे हैं। बार सबसे पहले जानेंगे कौन सा धातु का बना होता है। ये आपका कास्ट स्टील का बना होता है। कौन सा धातु का बना होता है? कास्ट स्टील का। जनरली आपसे अगर हेमर पूछा जा रहा है तो ये कास्ट स्टील का बना होता है। ठीक, और इसका जनरली वेट जो होता है जनरली ये अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग जो बनाए जाते हैं अलग अलग वेट रखा जाता है। जनरली 1500 ग्राम तक, यानी 250 ग्राम से 1500 ग्राम का वेट रखा जाता है, जो फिटिंग शॉप में हम लोग प्रयोग करते हैं, जहाँ पे वर्कशॉप में जो भी कार्य किए जाते हैं हल्के कार्य के लिए, और हेवी वर्क के लिए अलग अलग हेमर प्रयोग किया जाता है जिनका वेट भी बहुत ज्यादा होता है। यहाँ से एक चीज और आपसे पूछ लेता है कि जनरली कार्य के लिए जो हेमर प्रयोग किए जाते हैं उसका हैंडल का लंबाई क्या होता है? तो हैंडल का लंबाई होता है 325 mm। इतना होता है, 325 mm रखा जाता है। जनरली कार्य के लिए जो हेमर होता है उसका लंबाई जो होता है हैंडल का, वो आपका 325 mm रखा जाता है। अब इसके द्वारा हम लोग अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे जब हम लोग को रिवेटिंग करना होता है तो हेमर का प्रयोग करते हैं, पंचिंग करना होता है तो हेमर का प्रयोग करते हैं, या चिपिंग करना होता है तो हेमर का प्रयोग करते हैं। यानी अलग अलग टूल्स के साथ इसको हम लोग प्रयोग करते हैं। जब हम लोग पंचिंग करते हैं या मार्किंग करते हैं तो वहां पे पंच पे चोट देने के लिए हेमर का प्रयोग करते हैं। अब अलग अलग इसके द्वारा हम लोग कार्य करते हैं। जैसे पंचिंग के लिए प्रयोग करते हैं, पंच के साथ में इसको प्रयोग करते हैं जहां पे पंचिंग किया जाता है। उसके बाद मार्किंग के लिए, चिपिंग के लिए, बेंडिंग के लिए, तो अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे फोर्जिंग के लिए, ये सब में क्या होता है कि हम लोग हेमर का प्रयोग करते हैं। जैसे पंचिंग करना होगा तो करेंगे, बेंडिंग करना होगा यानी मोड़ना होगा तो करना पड़ेगा यूज, चिपिंग जब चीजें से हम लोग चिपिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, वहां पर भी हम लोग हेमर का प्रयोग करते हैं। फिर जो भी वर्कशॉप होता है बेंडिंग करने के लिए जो हम लोग प्रयोग करते हैं वहां भी इस हेमर का प्रयोग किया जाता है। तो इसके द्वारा अलग अलग कार्य अलग अलग जगहों में हम लोग करते हैं, अलग अलग प्रयोग करते हैं, ये अलग अलग टूल्स के साथ में आपका हेमर प्रयोग किया जाता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, अलग अलग कार्य के लिए हो गया। ये सब जो होता है, ये सब जो प्रोसेस हम लोग करते हैं मशीन शॉप में करते हैं, मशीन शॉप या फिटिंग शॉप में इस जगह में जो हेमर का प्रयोग किया जाता है वो जनरली कास्ट स्टील का बना होता है, कास्ट स्टील का बना होता है। और इसका जनरली वेट जो होता है 2 kg का होता है लगभग। जो फिटिंग शॉप या मशीन शॉप में हेमर प्रयोग करते हैं वो कास्ट स्टील का बना होता है, और जनरली इसका वेट जो होता है 2 kg रखा जाता है। थोड़ा सा यहाँ से साफ कर लेते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे। ये तो हो गया आपका मशीन शॉप में या फिटिंग शॉप में प्रयोग करने के लिए। शीट मेटल में भी प्रयोग करते हैं।
शीट मेटल वर्क, यहाँ पे जो हम लोग हेमर प्रयोग करते हैं ये जनरली सॉफ्ट मेटल का बना होता है, जैसे प्लास्टिक, रबर, वुड, उसके बाद लेड, ये सब जो होता है शीट मेटल वर्क में हल्के कार्य के लिए या शीट को मोड़ने के लिए, बेंडिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये प्लास्टिक, रबर, वुड यानी सॉफ्ट होता है, ये सब जो होता है आपका बेंडिंग वर्क में, शीट मेटल वर्क में किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आप बनता है कि शीट मेटल वर्क में किस प्रकार का हैमर का प्रयोग किया जाता है, तो आपका इस टाइप का जो बना होता है प्लास्टिक का, रबड़ का, वुड का, लेड का, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, ये आपका शीट मेटल वर्क में प्रयोग किया जाता है। ये जनरली ये जो वुड का बना होता है, जो लकड़ी का बना होता है, इसको हम लोग मैलेट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैलेट बोलते हैं या मैलेट हैमर भी बोलते हैं। तो जो शीट मेटल के लिए वुड का बना हुआ होता है उसको मैलेट बोलते हैं, ये मैलेट हैमर बोला जाता है। ये जनरली फिटिंग शॉप में पतली पतली चादरों पर जो वर्क करना होता है वहां पर इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। अब हम लोग आगे बात करेंगे इसके टाइप्स वगैरह के बारे में। यहाँ तक हम लोग टोटल क्लियर समझ लिए, ये जनरली कास्ट स्टील का बना होता है, ये 250 ग्राम या 1500 ग्राम के बीच में जनरली रखा जाता है फिटिंग शॉप में। ये इसका हैंडल जो होता है जनरली सामान्य कार्य के लिए 325 mm का होता है, ठीक। इसके द्वारा अलग अलग कार्य किए जा सकते हैं, चिपिंग किए जा सकते हैं, मार्किंग, पंचिंग, रिबेटिंग, या रिबेटिंग में जो हम लोग रिबेट को थूर करके उसके हेड का शेप बनाते हैं वहां पे भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद मशीन शॉप में या फिटिंग शॉप में जो हैमर प्रयोग किया जाता है वो कास्ट स्टील का बना होता है और उसका जनरली 2 kg तक वेट रखा जाता है। उसके बाद शीट मेटल में जो हैमर प्रयोग किए जाते हैं वो नरम धातुओं से बना होता है, जैसे रबड़ का हो गया, प्लास्टिक का हो गया, वुड का हो गया, ये नरम धातुओं से बना हुआ होता है जहाँ पे हल्के चोट दे करके बनाना होता है। और इसमें एक वुड का बना होता है जिसको मैलेट बोलते हैं, मैलेट शीट वर्क में प्रयोग किया जाता है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे इसके पार्ट्स के बारे में, हेमर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसके फिगर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे आप फिगर देख पा रहे हैं, एक रफ फिगर बना दिए हैं। यहाँ पे इस फिगर को आप देख पा रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हैंडल। ये आपका होता है फेस, इसको बोलते हैं पिन, इसको बोलते हैं चीक, इसको बोलते हैं आई होल। ये आपका फेस हो गया, ये आई हो गया, इसमें वेट लगा होता है। वेट इसके पार्ट्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और किसका क्या क्या काम होता है। ये हैंडल होता है जिसको हम लोग पकड़ करके यूज करते हैं। उसके बाद इसको हम लोग चीक बोलते हैं, ये वो भाग होता है जहाँ पे इस हेमर का वेट वगैरह लिखा होता है या नेम वगैरह लिखा होता है, स्टम्प किया जाता है, लिखा ना ये स्टम्पिंग किया जाता है, इसका वेट क्या है या कौन सा हेमर होता है। ये फेस होता है जो कि कोई भी आकार या फोड़ने के लिए, पीटने के लिए हम लोग इस फेस का प्रयोग करते हैं। ये इसके जस्ट अपोजिट पिन होता है, इसका प्रयोग हम लोग रिबेटिंग के कार्य के लिए करते हैं, जो कोई भी चीज का शेप बनाना होता है, आकार बनाना होता है, वहां पे इस पिन का प्रयोग करते हैं। ये आई होल होता है जिसपे हैंडल फिट किया जाता है और इसमें एक पचर लगा है जिसको वेट बोला जाता है, जो कि हैंडल को टाइट करके रखता है। ये आपका टोटल पार्ट्स हो गया। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि ये हेमर का जो चीक होता है ये सॉफ्ट होता है, ये सॉफ्ट होता है, इस भाग को सॉफ्ट रखा जाता है। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है कि हेमर का कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो ये सॉफ्ट होता है, ये आपका चीक हो जाएगा। उसके बाद आई होल का आकार पूछता है कि ये किस आकार में होता है,
ये किस आकार में होता है? ये आपका अंडा आकार होता है, यानी आंख के आकार का होता है कह सकते हैं। तो जनरली एक के मतलब आकार में होता है, अंडा आकार इलिप्टिकली होता है, ये गोल नहीं होता। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है कि हेमर का जो आई होल होता है किस आकार में होता है, ये अंडा आकार में होता है। आकार जो होता है अंडा आकार, अंडा आकार में होता है, इसका आकार जो होता है अंडाकार होता है। यहाँ से दो क्वेश्चन आपको हमेशा याद करके रखना है कि हेमर का कौन सा भाग मुलायम होता है, तो ये आपका चीक हो जाएगा। ये आई होल जो होता है किस आकार में होता है, ये अंडाकार होता है। ये टोटल हेमर के बारे में कंप्लीट आपका हो गया। जनरली इसको हम आपको बता दिए कि जनरली इसका साइज 325 mm रखा जाता है, ठीक 325 mm जनरली कार्य के लिए हम लोग रखते हैं। और ये कास्ट कास्ट स्टील का बना होता है जो फिटिंग शॉप में प्रयोग करते हैं, फिटिंग शॉप या मशीन शॉप के लिए ये कास्ट स्टील का बना होता है। और जनरली इसका 2 kg तक वेट रखा जाता है। जो सीट मेटल में प्रयोग किए जाते हैं उसमें आपका मुलायम धातु का बना होता है, आपको बता दिए हैं पीछे। ये आपका हेमर के बारे में टोटल कंप्लीट हो गया। यहाँ से अगर इस चीज को बढ़िया से एनालाइज करते हैं ना, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बाहर जाने वाला नहीं है। यहाँ से बस दो ही क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि अंडाकार जो होता है यहाँ वेड्स का प्रयोग क्यों करते हैं। ये वेड्स जो होता है, पचर जिसको बोला जाता है, ये हैंडल को टाइट करने के लिए प्रयोग करते हैं। इसको इसमें फिट करने के बाद एक अलग से पचर ठोक दिया जाता है कि हैंडल ढीला नहीं होगा और निकलेगा नहीं। और ये आई आई होल जो होता है अंडाकार में होता है, और ये चीक जो होता है आपका मतलब ये आपका हो जाता है मुलायम होता है। यहाँ से ये आपका टोटल कंप्लीट हो गया, ये पार्ट्स हो गए टोटल। चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं, पार्ट्स के बारे में टोटल क्लियर हो गया। अब इसके थोड़ा सा टाइप्स जानेंगे, कौन कौन हेमर होता है और कहाँ कहाँ उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो थोड़ा सा टाइप्स के तरफ चलेंगे, इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। यहाँ से अगर वीडियो को बढ़िया से देखते हैं, ये यहाँ से आपको हेमर के बारे में एक क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, पूरा कंप्लीट आपका हेमर के बारे में यहाँ से क्लियर हो जाएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से फालतू जाने वाला नहीं है। चलिए आगे थोड़ा सा हम लोग टाइप्स के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हैंड हेमर का, यहाँ पे आपको लिखकर लाए हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हैंड हेमर का। जो हैंड हेमर होता है ये जनरली कास्ट स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? कास्ट स्टील का बना होता है। और इसका वेट जो होता है 2 kg तक लगभग रखा जाता है। यानी हैंड हेमर जो होता है जनरली कास्ट स्टील का बना होता है और 2 kg का वेट इसको रखा जाता है। जनरली इसका प्रयोग हम लोग फिटिंग शॉप में, फिटिंग शॉप या मशीन शॉप, फिटिंग शॉप या मशीन शॉप में करते हैं, जिसके द्वारा पंचिंग, रिबेटिंग, उसके बाद बेंडिंग, इस तरह की चिपिंग वगैरह करने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे हैंड हेमर में भी अलग अलग आते हैं। जैसे यहाँ पे हम आपको बताए हैं बॉल पिन होता है, ये आपका क्रॉस पिन होता है, ये स्ट्रेट पिन होता है। यानी ये जो होते हैं ये पिन के आधार पे, पिन के अनुसार, पिन के अनुसार ये आपका अलग अलग होता है। जैसे बॉल पिन फर्स्ट हो गया आपका बॉल पिन, सॉरी थोड़ा सा खांसी आ गया। देखिए बॉल पिन यानी पिन के आधार पे, तो बॉल पिन यहाँ ये फिगर आप देख पा रहे हैं, ये आपका बॉल पिन हेमर का फिगर है। ये जो है ना यही आपका बॉल पिन है, देख रहे हैं ऊपर बॉल की तरह है, इसी को हम लोग बोलते हैं बॉल पिन हेमर। तो बॉल पिन हेमर का हम लोग प्रयोग करते हैं आकारीकरण में, यानी रिबेटिंग वर्क में, रिबेटिंग में, रिबेटिंग के लिए प्रयोग करते हैं, या कोई भी चीज को थूड़ करके उसको आकार देना होता है तो वहां पे हम लोग बॉल पिन हेमर का प्रयोग करते हैं। इसका जनरली वेट जो होता है, इसका वेट जो होता है 125 ग्राम से 1500 ग्राम तक होता है जनरली। और इसका प्रयोग फिटिंग शॉप में करते हैं, कहाँ करते हैं? फिटिंग शॉप में करते हैं। इसका प्रयोग
फिटिंग शॉप में करते हैं, यानी बॉल पिन हैमर का रिबेटिंग वर्क में प्रयोग किया जाता है, और ये पिन के अनुसार होते हैं। इसका पिन ऊपर का ये गोल टाइप का होता है, गोल नहीं, ये अंडे आकार के लगभग में होता है, और इसका वेट जो होता है भार जो होता है 125 ग्राम से 150 ग्राम तक रखा जाता है। ठीक, उसके बाद फिटिंग शॉप में इसको हम लोग प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है क्रॉस पिन हैमर। ये बॉल पिन हैमर होता है, ये क्रॉस पिन हो जाएगा। यहाँ पे ये पिन इस तरह से चेंजिंग हो जाएगा, इस तरह से आपका पिन जो है चेंजिंग हो जाएगा, इस तरह से इसका पिन जो है आपका चेंजिंग हो जाएगा। यानी जो पिन बनेगा वहां पे क्रॉस पिन हैमर में, जो पिन बनेगा वो हैंडल के क्रॉस में रहेगा। जैसे मान के लिए यहाँ पे ये हैंडल बन गया, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, इसको साफ कर लेते हैं ऊपर से। यहाँ पे लिखते हैं आपका 2 नंबर क्रॉस पिन, क्रॉस पिन। इसमें पिन जो होते हैं हैंडल के क्रॉस में, जैसे मान चलिए आपका हैंडल है इस तरह से, तो पिन आपका इस तरह से क्रॉस करेगा। जहां पे पिन बनेगा इस तरह से आपका क्रॉस करेगा। जैसे देखिए हैंडल आपका इस साइड इधर से है और पिन आपका इधर हो गया, ये हैंडल के क्रॉस करेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस पिन हैमर। और इसका हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग चैनल वगैरह बनाने के लिए करते हैं, जहां पे चैनल का शेप देना होता है, या धातु को पीट पीट करके एक ही दिशा में फैलाने के लिए प्रयोग हम लोग करते हैं, यानी चैनल बनाने में, चैनल्स वर्क में, चैनल बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, या पीट पीट कर धातु को एक ही दिशा में फैलाने के लिए, यानी चैनल वर्क में भी प्रयोग करते हैं और एक ही दिशा में हम लोग क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। और इसका जो पिन होता है हैंडल के क्रॉस में होता है। आप देख कर भी पहचान सकते हैं, यहाँ पे एक फिगर भी लगा देंगे आपको, बढ़िया फ्रेश आपको देखने में आसानी हो जाएगी। और इसका वेट जो होता है, इसका जो भार होता है 125 ग्राम से 1500 ग्राम तक होता है। ठीक, इसको भी हम लोग फिटिंग शॉप में ही प्रयोग करते हैं, फिटिंग शॉप में प्रयोग करते हैं। ये आपका क्रॉस पिन का हो गया, ये पिन आपका क्रॉस में होता है, और इसका वेट जनरली जो होता है ये आपका 125 ग्राम से 1500 ग्राम तक रखा जाता है। आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखते हैं, बॉल पिन हो गया, क्रॉस पिन हो गया, अगला है 3 नंबर में स्ट्रेट पिन। स्ट्रेट इस हेमर का प्रयोग 90 डिग्री के एंगल में कोई भी चीज को रिवेटिंग के लिए या स्ट्रेटिंग के लिए प्रयोग करते हैं। 90 डिग्री के एंगल में चैनल वर्क में, 90 डिग्री के चैनल बनाने के लिए, 90 डिग्री के कोण पे हेमरिंग करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, इसका जो पिन बना होता है हैंडल के स्ट्रेट में बना होता है। इसका जो पिन बना होता है ये हैंडल के स्ट्रेट में बना होता है, हैंडल के बिल्कुल सीध में बना होता है। ये जो इसका जो पिन होता है, जैसे हैंडल देखिए सीधा है और पिन भी आपका कुछ इस तरह से ये सीधा ही मिलेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट पिन। ये पिन से ही पता चलता है। 90 डिग्री के एंगल में चैनल बनाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, या 90 डिग्री एंगल पे इसके द्वारा हैमरिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। इसका भी जो भार होता है 125 ग्राम से 1500 ग्राम होता है। ठीक, इसको भी हम लोग फिटिंग शॉप में प्रयोग करते हैं, फिटिंग शॉप में
प्रयोग करते हैं। ये पिन के अनुसार तीन गो आपका फाइल क्लियर हुआ। जनरली यहाँ से यही क्वेश्चन आता है कि स्ट्रेट पिन हैमर का वेट कितना होता है, 125 ग्राम से 1500 ग्राम के बीच होता है, और ये 90 डिग्री एंगल में अगर हैमरिंग करना होगा तो कौन सा पिन वाला हैमर प्रयोग करेंगे, तो आपका स्ट्रेट पिन का। किसका पिन हैंडल के स्ट्रेट में होता है, तो स्ट्रेट पिन हैमर का, ये नाम से ही पता चल जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे स्लेज हैमर। आगे हम लोग दो नंबर बात करेंगे स्लेज हैमर। अगला है स्लेज, स्लेज हैमर ये जो होता है हेवी वर्क के लिए होता है, हेवी वर्क के लिए होता है, और इसको प्रयोग हम लोग ब्लैक स्मिथ में, ब्लैक स्मिथ या फोर्जिंग प्रयोग हम लोग कहां करते हैं, ब्लैक स्मिथ वर्क में या फोर्जिंग में हम लोग इसको प्रयोग करते हैं। ये हेवी वर्क के लिए अधिक बहुत ज्यादा ज्यादा बड़े बड़े या अधिक थिकनेस वाले मेटल को पीटने के लिए प्रयोग करते हैं। जहां पे भट्टी वगैरह में बहुत मोटे मोटे जॉब को पिघलाया जाता है तो वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है। इसका जनरली वेट जो होता है, इसका जो भार होता है 3 केजी से 9 केजी तक रखा जाता है। सोचिए जो हम लोग पढ़ रहे थे 150 ग्राम या 125 ग्राम, कितना ज्यादा है, यानी 3 केजी से लेकर 9 केजी के बीच में होता है। ठीक, ये बहुत ज्यादा भारी होता है और इसके द्वारा बहुत अधिक मात्रा में प्रेशर के साथ हैमरिंग किया जा सकता है। और इसका जो हैंडल का लंबाई होता है, हैंडल का लंबाई होता है 600 mm से 900 mm तक रखा जाता है। ये हमेशा पूछता है कि स्लेज हैमर का हैंडल का लंबाई कितना रखा जाता है, ये आपको याद करके रखना होगा कि 600 mm से 900 mm तक के साइज में रखा जाता है। और इसका वेट जो होता है 3 केजी से लेकर 9 केजी तक रखा जाता है, और ये हेवी वर्क के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसे ब्लैक स्मिथ और फोर्जिंग के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं इसको। उसके बाद आगे देखते हैं, अगला है आपका पावर हैमर। अगला है पावर हैमर, थोड़ा सा हटा लेते हैं। पावर हैमर का जनरली हम लोग बिजली के मोटर द्वारा चलाते हैं, प्रयोग करते हैं। पावर हैमर जो होता है बिजली के मोटर द्वारा चलाया जाता है। पावर हैमर ये बिजली के मोटर द्वारा, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर से चलाया जाता है। ठीक, इसको हम लोग बिजली के मोटर द्वारा चलाया जाता है, जिसके चलते हम लोग न्यूमेटिक हैमर भी बोलते हैं, न्यूमेट्रिक हैमर भी बोलते हैं। ये वहां पे प्रयोग किया जाता है जहां पे मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना होता है, वहां पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। यहां तक हम लोग क्लियर कर लिए ये पावर हैमर के बारे में, न्यूमेटिक हैमर। इसका प्रयोग जो है जनरली इसका प्रयोग ड्रा हैमरिंग के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, ड्रा हैमरिंग के लिए, ड्रा हैमरिंग के लिए। ड्रा हैमरिंग के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ये अधिकतर वहां पे प्रयोग किया जाता है जहां पे बहुत ज्यादा तेजी मात्रा में करना हो, जिसे मास प्रोडक्शन में इसको प्रयोग किया जाता है। कहां पे प्रयोग किया जाता है, मास प्रोडक्शन में, मास प्रोडक्शन में इसका प्रयोग किया जाता है। मास प्रोडक्शन का मतलब कम समय में ज्यादा जहां पे जॉब बनाना होता है या ज्यादा मात्रा में हैमरिंग करना होता है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, इस पावर हैमर का प्रयोग करते हैं। ये निरंतर मोटर के द्वारा चलते रहता है, इसमें रुकने की कोई स्थिति नहीं रहता है। आगे हम लोग बात करेंगे, देखिए पावर हैमर हो गया, स्लेज हैमर हो गया। इसको स्लेज हैमर को घन बोलते हैं, इसको हिंदी में घन बोलते हैं। ठीक, ये आपका पावर हैमर हो गया। अब आएंगे सॉफ्ट हैमर, थोड़ा सा इसको मिटाएंगे। सॉफ्ट हैमर,
सॉफ्ट हैमर, ये जनरली जो होते हैं नरम धातु के बने होते हैं, जैसे प्लास्टिक का, प्लास्टिक, रबड़, फूड, ये लेड, ये नरम धातु के बने होते हैं और इनका प्रयोग वहां पे किया जाता है जहां पे हैमरिंग करने वक्त जो सरफेस है उसको खराब ना करे, तो वहां पे यानी सॉफ्ट हैमरिंग के लिए किया जाता है कि हैमरिंग करने के बाद वहां पे मेटल के सरफेस जो होते हैं, कंपोनेंट के जो फिनिश सरफेस होते हैं उसको खराब ना होकर के बचाते हुए हैमरिंग करना होता है, या हल्के हैमरिंग के लिए कह सकते हैं, तो वहां पे हम लोग सॉफ्ट हैमर का प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे हम लोग बात करेंगे क्ला हैमर। क्ला हैमर के बारे में बात करेंगे, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। क्ला हैमर जो होता है जनरली इसका प्रयोग हम लोग, क्ला हैमर जो होता है जनरली हम लोग इसको कील निकालने के लिए प्रयोग करते हैं, कील निकालने, निकालने एवं पीटने के लिए। क्ला हैमर कुछ इस टाइप का फेस होता है, नीचे का फेस आपका जस्ट उसी टाइप का होता है, और कुछ इस टाइप का बना होता है। कुछ इस टाइप का ये आपका इसमें फेस होता है, और कुछ इस टाइप का यहाँ पे इस तरह से बनता है। ये जो इस तरह से बना हुआ होता है इसी से, इसी भाग से कील को निकाला जाता है और इस फेस वाले भाग से हैमरिंग करके उसको ठोक पीट करके बैठाया जाता है। तो जनरली क्ला हैमर का प्रयोग हम लोग कील निकालने के लिए या कील वर्क में किया जाता है, जहाँ कील को निकालना होता है या ठोक पीट करना होता है, तो इसको हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। आगे एक है चिपिंग हैमर। चिपिंग हैमर चिपिंग हैमर चिपिंग हैमर जो है ये जनरली बेल्डिंग वर्क में किया जाता है। जब बेल्डिंग हम लोग करते हैं, बेल्डिंग करने के बाद जो स्लेग जम जाते हैं, बेल्डिंग जब रॉड पिघल जाता है, जो जब बेल्डिंग या ज्वाइंट बन जाता है, तो वहां पे एक राख टाइप का स्लेग बन जाता है। उस राख को, उस स्लेग को हटाने के लिए इस बेल्डिंग, इस चिपिंग हैमर का प्रयोग किया जाता है। तो कहाँ पे हम लोग प्रयोग करते हैं? बेल्डिंग वर्क में, बेल्डिंग वर्क में चिप्स को हटाने के लिए प्रयोग करते हैं। कुछ इस टाइप का होता है उसका फिगर, कुछ इस टाइप का फिगर होता है, कुछ इस टाइप का फिगर बना होता है, दोनों छोर पे होता है। ये हैंडल लगा होता है, इसको हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं? बेल्डिंग में चिपिंग के लिए। यहां से टोटल आपका देखिए हो गया, हम लोग समझ लिए, सॉफ्ट हैमर हो गया, क्ला हैमर हो गया, चिपिंग के लिए हो गया। ये आपका क्ला हैमर कांटी कील के लिए होता है, ये बेल्डिंग हैमर में, बेल्डिंग जो होता है बेल्डिंग वर्क के लिए आपका चिपिंग हैमर होता है। जब बेल्डिंग करने के बाद जब चिप्स को साफ करना होता है, स्लेग को साफ करना होता है, तो वहां पे हम लोग चिपिंग हैमर का प्रयोग करते हैं। अब एक चीज और चर्चा कर लेते हैं, जब हैमर को मार्केट से मंगवाना होता है तो क्या क्या आप उसको बताना होता है? मार्किंग कार्य के लिए जो हैमर प्रयोग किया जाता है, मार्किंग और मार्किंग या इंजीनियरिंग कार्य के लिए, ये जनरली आपका 250 ग्राम वेट रखा जाता है। यहां से एक क्वेश्चन पूछता है कि मार्किंग के लिए या इंजीनियरिंग वर्क के लिए जो हैमर प्रयोग किए जाते हैं वो जनरली आपका 250 ग्राम का होता है। कितने का होता है? 250 ग्राम का होता है। ये आपको दिमाग में रखना होगा कि जनरली कितने का होता है आपका, 250 ग्राम के रखा जाता है। उसके बाद जब फाइल को मंगाना होता है, यानी क्लासिफिकेशन,
क्लासिफिकेशन, जब फाइल को मार्केट से मंगवाना होगा तो पहले तो भार, उसके बाद पिन के आकार, पिन का आकार, ये दो चीज बताना होगा। यानी जैसे मान चलिए 1.5 किलो का हैमर लेना है आपको, पिन बताना है आपको, क्रॉस पिन, बॉल पिन। तो मान चलिए बॉल पिन, बॉल पिन, तो इस तरह से आपको बताना होगा एक हेमर को मार्केट से लाने के लिए। यानी भार बताना होगा, वेट बताना होगा और पिन बताना। यानी जब आपको फाइल, सॉरी, जब आपको हेमर को परचेस करना होगा, मार्केट से लाना होगा, तो वहां पे आपको वेट, उसके बाद आपका उस पिन के आकार बताना होगा, तब आपको मार्केट से मिल सकता है। यानी उसको अलग अलग आप कॉन्फ़िगरेशन वर्गीकरण कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका हेमर का टोटल कंप्लीट वीडियो हुआ। अगर इस चीज को बढ़िया से देखते हैं तो यहाँ से लगभग लगभग टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है, चाहे कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, आईटीआई का एग्जाम दे रहे हैं, या कंपटीशन लेवल का कोई एग्जाम दे रहे हैं, या इसरो का एग्जाम दे रहे हैं, सबके लिए आपको हेल्पफुल होगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बाहर जाने वाला नहीं है। तो इस वीडियो को देखिएगा ढंग से। हम उम्मीद करते हैं आपका जो भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाएगा और यहाँ से आपका बढ़िया से तैयारी हो जाएगा। ठीक, तो ये वीडियो अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, जो आईटीआई के स्टूडेंट हैं, आईटीआई का तैयारी कर रहे हैं या कंपटीशन लेवल के तैयारी कर रहे हैं, जो आईटीआई कर लिए हैं उनके पास भी शेयर कीजिएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अधिक चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जो भी अगला वीडियो आएगा तो आपको जल्दी पता चल जाएगा। तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।